Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मथुरा गोवर्धन से तेजपाल ठाकुर की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंच द्वारा दी गई हाथरस की मनीषा को श्रद्धांजलि। दोषियों को दी जाए फांसी की सजा। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंच मथुरा गिरिराज तेलड़ी गोवर्धन में मंगलवार की देर शाम उत्तर प्रदेश के हाथरस जनपद में एक दलित समाज की बहन के साथ कुछ दरिंदों ने एक ऐसी हैवानियत दिखा दी कि उस बहन की मौत हो गई। इसका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा था। उन्होंने उस बहन के साथ रेप किया, उसकी जुबान काटी डाली गई। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंच द्वारा उसकी कड़ी निंदा की गई। मंगलवार की देर शाम गोवर्धन में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल द्वारा के हाथों कैंडल मार्च निकाल कर मनीषा को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंच जिला अध्यक्ष अमित अग्रवाल, मनमन महामंत्री अजीत अग्रवाल, कोषाध्यक्ष उदय सिंह सभासद अनुपम, एडवोकेट ब्रजवासी दिनेश अग्रवाल, राजन सिंह एडवोकेट आदि लोग मौजूद रहे। बाइट अमित अग्रवाल। ऐसे ही ताज़ा अपडेट और खबरें देखने के लिए आप लगातार हमारे चैनल आईएसएन से जुड़े रहें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम अजीत मित्तल है। अजीत मित्तल जी, आज आपने ये क्या कार्यक्रम किया जरा बताएंगे पूरा? मेरी जो हाथरस की बिटियां हैं, हमारी जो हमारी महिलाएं हैं, उनके साथ ही बहुत अनघोर अत्याचार हुआ है। इसके लिए मैंने कैंडल लाइट किया है उनके लिए। ठाकुर जी उनकी आत्मा को शांति दें। और मैं चाहता हूँ कि जितने बदमाश लोग हैं उनके जिन्होंने इनके साथ ऐसा किया है उनको ये कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आगे भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो जो इस बिटिया के साथ हुआ है। ऐसा मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट से कि वो प्रशासन से सख्त अपना एक्शन लें। पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठते हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन पर सवाल उठते हैं, क्यों नहीं कार्रवाई की अब तक, क्या बात हुई जाता है कि उन्होंने पुलिस प्रशासन की कुछ ना कुछ ढील डाल है जिस वजह से ये कांड हो रहे हैं। अतः हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि वो अपने ढील को थोड़ा कम करें। ऐसा हमारी और किसी मीडिया के साथ ना हो, यही हमारी प्रशासन से उम्मीद है।